इम्पॉर्टेंट इसमें बात है इस कर्व में कि जब कर्व हमारी ई पॉइंट क्या है हमारा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ पॉइंट है। यहाँ पर क्या है अल्टीमेट टेंसाइल मैक्सिमम स्ट्रेंथ है इस पॉइंट पे, इसके बाद इस बॉडी की जो है स्ट्रेंथ कम होने लगेगी। अब ई से एफ की बात करें, ये लास्ट पॉइंट है इस पर्टिकुलर कर्व के बारे में, जिस कर्व का नाम है इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन। ठीक है, ये कर्व किसके बीच में, इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन के बारे में। तो ई से एफ के बीच में अगर बात करें तो कर्व क्या हो रही है, नीचे की साइड हो रही है। इससे क्या पता लग रहा है हमें, कर्व अगर जैसे नीचे की साइड आ रही है तो इससे ये पता लग रहा है कि इसकी स्ट्रेस की वैल्यू कम हो रही है। स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। उसका रीजन देखते हैं, थोड़ा सा डीप में जाएंगे इसके। जैसे कि मैंने नेकिंग के बारे में आपको अभी बताया, नेकिंग में क्या होता है, ये जो ऐसे एरिया था इस तरह से एरिया हो जाता है, एरिया क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है, एरिया क्या होने लगता है, कम होने लग जाता है। और इसमें जो स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से होने लगता है, इस तरह की फोर्सेस भी लगेंगी और टो एक्स भी लगेंगे, मतलब शियर स्ट्रेस भी लगेगी और नॉमिनल स्ट्रेसेस भी लगेंगी, या टेंसाइल स्ट्रेस या कंप्रेसिव स्ट्रेस भी लगेंगी। इस पर्टिकुलर केस में टेंसाइल स्ट्रेस भी लगेगी और शियर स्ट्रेस भी लगेगी, तो ये सिस्टम क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। एक और बात, यहाँ पर जैसे ये कोई आपसे पूछे कर्व नीचे की साइड क्यों आ रही है, तो इसका रीजन देखो क्या है। जैसे जैसे आप, अब स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, अगर हम इस पर्टिकुलर इंजीनियरिंग स्ट्रेस की बात करें, लोड अपॉन एरिया, लोड अपॉन एरिया, और एरिया कौन सा, ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया जो पहले था, यानी कि एरिया तो चेंज नहीं होगा यहाँ पर क्योंकि ये तो फिक्स है, ओरिजिनल एरिया तो फिक्स था। अगर हम पर्टिकुलर एरिया की बात करें, ओरिजिनल एरिया तो फिक्स सेम रहेगा। अब जो लोड की वैल्यू होती है यहाँ पर क्या होने लगती है, कम होने लगती है। ऑटोमेटिकली जब आप इसको खींचेंगे तो ये कम ही लोड पे टूटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसमें के अंदर कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस लगने लग जाएंगे। स्ट्रेंथ कम होने का मतलब क्या है बॉडी के अंदर, कि उसको कम ही आप फोर्स में उसको तोड़ देंगे, ठीक है ना। तो इसलिए अगर आप लोड कम लगाएंगे, और देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में यही क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बहुत समझने की चीज। जैसे मैंने बताया कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस लगने लगी यहाँ पर, ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में। इस पर्टिकुलर एरिया की बात करें तो, ठीक है, इस पर्टिकुलर एरिया की बात करें तो हमें लोड क्या लगाना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा। अब एरिया तो हमारा सेम रहेगा तो लोड कम लगाना पड़ेगा, तो स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी जब आपने लोड भी कम लगाया, तो यहाँ पर आपका स्ट्रेस, इसलिए ये जो कर्व है नीचे की साइड जाने लगेगी। ये क्या है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन के बारे में। अगर आपसे कोई बात करे, ये जो कर्व यहाँ पर कंप्लीट होती है और इस तरह से एफ पॉइंट पे क्या बॉडी में क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, और किस टाइप का डक्टाइल मटेरियल में फ्रैक्चर होगा, कप एंड कोन, कप एंड कोन शेप का इसमें क्या होगा, फ्रैक्चर होगा। और आपसे कोई पूछे नेकिंग को अगर आप एक वर्ड में डिफाइन करें, नेकिंग, ये भी कई बार पूछा जाता है एक नंबर के क्वेश्चन में, नेकिंग को हम क्या लिख सकते हैं, हाईली लोकलाइज्ड डिफॉर्मेशन जोन, याद रखने की चीज है, क्योंकि पर्टिकुलर इस लोकेशन पे, अब लोकेशन वाइज बात आ जाती है, इस पर्टिकुलर एरिया पे ये सारा का सारा फोकस हो जाता है और यहीं से टूटना स्टार्ट होता है इस पूरे एरिया पे, ठीक है, क्लियर हो रहा होगा आपको। तो यहाँ पर ये वाली कर्व जो हमारी है यहाँ पर कंप्लीट हुई। और एक ये चीज जो मैंने यहाँ पर फोकस ये जो करके जूम करके दिखाई है, देखो ये जूम का सिंबल दिखाया, ये जो पर्टिकुलर यहाँ जो खिचपिच हो रही थी, जो भी इस कर्व में बन रहा था, इसको हमने जूम करके देखा। ए पॉइंट क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, बी क्या है, इलास्टिक लिमिट, सी क्या है, अपर यील्ड पॉइंट, डी क्या है, लोअर यील्ड पॉइंट। अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट मैं बता ही चुका हूँ कैसे हो रहा है माइल्ड स्टील में, ये तो था माइल्ड स्टील के लिए। जो हम कर्व देख रहे हैं वो है एल्यूमिनियम और कॉपर के लिए, ये देखो इस टाइप की इसमें कर्व बनेगी, इसमें कोई भी यील्ड पॉइंट नहीं होगा। तो यील्ड पॉइंट नहीं होगा तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक तरीका बताया कि इसके लिए हम क्या करते, कि साइंटिस्ट ने बताया कि इसमें जो स्ट्रेन की वैल्यू है उसको हम 0.2% लेंगे, 0.2% स्ट्रेन की वैल्यू,
कितनी 0.2, जैसे यहाँ पर 0, यहाँ पर 0.5, 0.1, 1.5, 2, 2.5, इस टाइप से बन रहा है। और स्ट्रेस की भी कुछ ना कुछ वैल्यूज हैं डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ठीक है, स्ट्रेन की तो कोई यूनिट होती नहीं है, क्यों? स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा एल अपॉन एल, ये भी यूनिट मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो यूनिट लेस होता है ये। तो हमें क्या लेना है? 0.2% लेना है। 0.2% कहाँ पर आएगा? सपोज करिए यहाँ पर आएगा 0.2%। स्ट्रेन लिया, इस पॉइंट को हमने फिक्स किया, उसके बाद क्या करेंगे? इसी के पैरेलल, यानी कि ऐसे एक लाइन खींचेंगे इसी के पैरेलल जिससे ये इलास्टिक लिमिट से चल रहा था, इसी के पैरेलल हम इस टाइप से की लाइन खींचेंगे, थोड़ी सी इस टाइप से आएगी। ठीक है, और जिस पॉइंट पे ये यहां से कटेगी कर्व, ये पॉइंट क्या होगा? यील्ड स्ट्रेस। ये पॉइंट कौन सा होगा? यील्ड, इसको कहते हैं 0.2% ऑफसेट मेथड, 0.2% ऑफसेट मेथड। इसमें इसको क्या कह देंगे? यील्ड स्ट्रेस कह देंगे, जहां पर 0.2% कर्व के हम ये जो कर्व बनती है उसके पैरेलल लगा, जब हमें जब यील्ड पॉइंट हमें किसी कर्व का पता नहीं लग पा रहा। ठीक है, एक पॉइंट हमें यहां पर ये पता चला, तो यील्ड स्ट्रेस निकालने का ये तरीका, जब आपको स्पेसिफाइड ना पता हो कि यील्ड पॉइंट नहीं आ रहा है हमारा, तो उसको कैसे निकाल दे? 0.2% यील्ड स्ट्रेन के पैरेलल लाइन खींच के जहां पर ये कर्व कटेगी वो आएगा हमारा यील्ड स्ट्रेस। ठीक है, एक और पॉइंट है जो इसमें बताने लायक है यहाँ पर, डक्टिलिटी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि जब हम शीट मेटल ऑपरेशंस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में पढ़ते हैं, उसमें डक्टिलिटी का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, देखो एक आता है स्ट्रेंथ जो है ना, अगर आप डक्टाइल मटेरियल के बारे में बात करेंगे, डक्टाइल मटेरियल के बारे में बात करेंगे, तो डक्टाइल मटेरियल का फेलियर जब हम मान लेते हैं किस चीज में, जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का हम भी कोई चीज यूज करते हैं, कोई मेटल यूज करते हैं, अगर डक्टाइल मटेरियल और वो यील्ड पॉइंट तक आ गया, ठीक है, तो वो फेलियर माना जाता है उसको। क्या माना जाता है? फेलियर माना जाता है उसका। और इस तरह से ब्रिटल मटेरियल में, ब्रिटल मटेरियल में कोई ब्रिटल मटेरियल है, ठीक है, उसका फेलियर कब माना जाएगा? जब वो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले पॉइंट पे आ जाएगा, उसके बाद फेलियर माना जाएगा उसका। ठीक है, जैसे उससे क्रॉस करा, ठीक है, जैसे नेकिंग, जैसे अगर हम यहाँ पे, जैसे, और एक और इम्पोर्टेंट बात, ब्रिटल मटेरियल में कोई नेकिंग वगैरह नहीं होती, कोई भी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होता, मतलब एप्रिशिएबल नहीं होता, थोड़ा बहुत होता होगा, एप्रिशिएबल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन या परमानेंट डिफॉर्मेशन ब्रिटल मटेरियल में नहीं होता। यहाँ पर सीधा कौन सा पॉइंट आता है? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ पॉइंट आता है, और उसी के बाद जस्ट हम फेलियर मानेंगे। डक्टाइल मटेरियल में कैसे फेलियर मान लेते हैं हम? जैसे ही वो यील्ड पॉइंट को क्रॉस करता है। लेकिन डक्टिलिटी एक ऐसा पॉइंट है, डक्टिलिटी, देखो डक्टिलिटी को क्या लिखेंगे, डेफिनेशन इसकी देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। डक्टिलिटी, ज्यादा रटने वाली लैंग्वेज हम नहीं करेंगे, एक बढ़िया सी बात लिखते हैं, कैपेबिलिटी टू विदस्टैंड, कैपेबिलिटी विदस्टैंड, टू विदस्टैंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, कैपेबिलिटी टू विदस्टैंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन या परमानेंट डिफॉर्मेशन, ये भी एक नाम है डक्टिलिटी का। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डक्टिलिटी, जब शीट मेटल ऑपरेशंस हम पढ़ते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जितना ज्यादा प्लास्टिक स्ट्रेन, ठीक है, क्या चीज, द स्ट्रेन, इनफैक्ट क्या बोलेंगे, प्लास्टिक स्ट्रेन। प्लास्टिक स्ट्रेन कौन सा? जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, जितना ज्यादा प्लास्टिक स्ट्रेन होगा बॉडी के अंदर, ठीक है, विदाउट नेकिंग, विदाउट नेकिंग नहीं आनी चाहिए बॉडी में, नहीं तो वहां फेलियर होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम उसको यूज नहीं करते। बिफोर नेकिंग, जितना उसके अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जिस बॉडी में ज्यादा आ रहा है,
इंपॉर्टेंट बात है जितना आता। प्लास्टिक स्ट्रेन किस में मैं कह रहा हूँ, जैसे ही वो इस वाले पॉइंट के बाद, ये जो अपर यील्ड पॉइंट के बाद, ठीक है, जैसे ही जितना ज्यादा है ई पॉइंट तक जो बॉडी पहुंच रही है उतना ज्यादा उसके अंदर डक्टिलिटी, ठीक है, जितना ज्यादा उसके अंदर प्लास्टिक स्ट्रेन आ सकता है विदाउट नेकिंग, विदाउट लोकलाइज्ड डिफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। किसी बुक में लोकलाइज्ड डिफॉर्मेशन या नेकिंग एक ही बात है, ठीक है, तो इसी इंडेक्स को क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। तो हमने डक्टिलिटी को थोड़ा समझा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्लास्टिक स्ट्रेन यहाँ पर वर्ड आया, प्लास्टिक स्ट्रेन क्या, जितना स्ट्रेन आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के टाइम आता है, ठीक है। एक और एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, वो भी हम देख लेते हैं। ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन, ठीक है, ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन में देखिए क्या है। ट्रू स्ट्रेस में क्या, जो लोड अपॉन इंस्टेंटेनियस एरिया, लोड अपॉन इंस्टेंटेनियस एरिया लेंगे, क्या लेंगे, लोड के ऊपर कौन सा नीचे एरिया लेंगे हम, इंस्टेंटेनियस, उसको क्या कह देंगे हम, ट्रू स्ट्रेस कह देंगे, ठीक है। तो जो जैसे जैसे एरिया कम होता रहेगा, अगर सपोज करो आप सोचें इस बात को, तो आपकी स्ट्रेस की वैल्यू भी क्या करती रहती है, बढ़ती रहती है, ठीक है, इसको भी हम देख लेंगे थोड़ा। और इंजीनियरिंग स्ट्रेन में भी चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन लेंथ अपॉन इंस्टेंटेनियस डायमेंशन जो उस बॉडी की उस टाइम पे है, ठीक है, या उस टाइम पे मान लेते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी डायमेंशन है, एल है, कितनी पॉइंट है, एल है, तो डेल्टा एल चेंज इन डायमेंशन, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी डायमेंशन मान लेते हैं, एल है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जिस पॉइंट पे हम बात करते हैं, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर, जैसे जैसे एक कर्व बन रही थी उस पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट पे हमने बात कर ली, तो उस टाइम पे सपोज करो उसकी डायमेंशन क्या थी, एल थी, और चेंज इन डायमेंशन कितनी हुई, डेल्टा एल, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्ट्रेन क्या है, ट्रू स्ट्रेन कितना होगा, डेल्टा एल अपॉन एल। अगर स्ट्रेन की बात करें तो क्या होगा, वो डीएल, डीएल क्या, चेंज इन डायमेंशन अपॉन लेंथ, ये इसका प्रूफ थोड़ा सा देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार गेट में इस पे ही आजकल क्वेश्चन बड़े फेमस हो रहे हैं आजकल इसी के क्वेश्चन। तो डेल्टा एल डीएल अपॉन एल, ठीक है, और एल नॉट से पहले डायमेंशन कितनी थी, एल नॉट, और बाद में कितनी हो जा रही, मान लेते हैं एल वन हो जा रही है, ठीक है, डीएल अपॉन एल का इंटीग्रेशन क्या होगा, और ये क्या है, ये वैल्यू, ये ट्रू स्ट्रेन आई पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है, और ये डेल्टा एल अपॉन एल क्या है, कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट पे डेल्टा एप्साइलन से हम बात कर रहे हैं, इसको किससे बात कर रहे हैं, डेल्टा एप्साइलन, ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डेल्टा एल अपॉन इसकी जो डायमेंशन है, तो यहां लिख देते हैं सही से, या डी एल अपॉन एल, तो अब पूरा पूरा निकालना होगा तो इंटीग्रेशन करना होगा इसका, तो इसी तरीके से हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, वन अपॉन एक्स का लॉग एक्स, ठीक है, ठीक है, सॉरी ये क्या होगा, लॉग, इस तरह से नहीं, इसको कैसे लिख सकते हैं, लॉग एल, एल वन अपॉन एल, तो पहले अपर लिमिट भरेंगे माइनस लोअर लिमिट भरेंगे, तो क्या आ जाएगा, एल वन अपॉन एल नॉट एप्साइलन की वैल्यू, ये क्या है हमारा, ट्रू स्ट्रेन है, ये किसका फॉर्मूला है, ट्रू स्ट्रेन का फॉर्मूला है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ट्रू स्ट्रेस हमने देखा और ट्रू स्ट्रेन देखा। और एक दो चीज देख लेते हैं इस कर्व से रिलेटेड, जैसे कि अगर हम कर्व की बात करें, इसके बीच में स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ये जो पूरा एरिया होता है इसके अंदर का, इसका पर्टिकुलर नाम क्या है, टफनेस है, क्या है, टफनेस,
क्या वैल्यू होती है, ये टफनेस की होती है। ठीक है, तो इसको एरिया अंडर स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व का जो एरिया है, एरिया अंडर द कर्व इज डिनोटेड बाय द टर्म टफनेस, इज डिनोटेड बाय द टर्म टफनेस। ठीक है, तो यहां से हमें ये पता लगा, टफनेस के बारे में पता लगा, और इलास्टिक पॉइंट तक, ये पॉइंट कौन सा है, बी। ठीक है, इलास्टिक पॉइंट तक जो एरिया आता है हमारा, उसको हम बोलते हैं रेजिलेंस। देखो, कोई भी इंटरव्यूअर आपसे कोई ये चीज पूछे, अगर आप उसे कर्व बना के उसको पर्टिकुलर समझाएं कि रेजिलेंस ये होता है, टफनेस एरिया अंडर दिस कर्व होता है, कि वो उसको टफनेस बोलते हैं, तो कर्व बना के समझाएं थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि डेफिनेशन नहीं रटी हुई है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। अप टू द फ्रैक्चर पॉइंट, जो भी स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व के बीच में एरिया बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, टफनेस कहते हैं। तो यहाँ पर हमने ये देखा इस कर्व के बारे में। लास्ट इसमें एक और चीज देख लेते हैं इस कर्व से रिलेटेड, कि जो ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन के बीच में जो कर्व बन रही है हमारी, वो किस टाइप से बनेगी। ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन के बारे में पहले तो कर्व देख लेते हैं। इस टाइप से सपोज करो, इस टाइप से तो ये कर्व बन रही थी जनरली, जिसकी किसके बीच में है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस वर्सेस इंजीनियरिंग स्ट्रेन के बीच में कर्व थी ये, जिसमें ये कर्व क्या हो रहा था, ई के बाद एफ तक पहुंच रहा था। जो ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन की कर्व है ना, देखो यहां तक तो वो सेम ही रहेगी, यहां तक तो वो सेम ही रहेगी, यहां तक। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसकी कर्व जो बनती है जैसे इस टाइप से बनाई, उसके बाद ये पॉइंट ई के बाद एफ किधर चला जाता है, ऊपर की साइड चला जाता है। उसका रीजन देखो, अब आपसे कोई इसका रीजन पूछता है, ये जो कर्व थी मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया, नीचे की साइड कैसे आ रही है, एरिया क्या था यहाँ पर के लिए, ए नोट था जो कि फिक्स था, सेम था। लेकिन अब आपसे ट्रू स्ट्रेस की बारे में बात करें, तो इसमें इंस्टेंटेनियस एरिया लेंगे, अभी मैंने आपको बताया ट्रू स्ट्रेस को हमने क्या लिख दिया, लोड अपॉन इंस्टेंट, और इंस्टेंटेनियस एरिया पर्टिकुलर पॉइंट पे नेकिंग के बाद क्या हो रहा है, देखो कम हो रहा है। जब एरिया की वैल्यू आपकी कम हो रही है, एरिया की वैल्यू क्या हो जा रही है, कम हो रही है, तो ये पूरी पूरी वैल्यू क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। एरिया की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, तो ये ट्रू स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। अब आपसे कोई कहेगा, अब इंटरव्यूअर आपसे एक और चीज पूछते हैं कि लोड की वैल्यू भी तो कम हो रही है, तो आप क्या बताएंगे, उसका आंसर क्या देंगे, आप ये बताना, जो स्ट्रेस की वैल्यू है, ट्रू स्ट्रेस की वैल्यू, वो क्या बताओगे, लोड अपॉन इंस्टेंटेनियस एरिया। तो आप ये कहना कि इंस्टेंटेनियस एरिया का जो डिक्रीमेंट है वो ज्यादा कम हो रहा है लोड से ज्यादा, समझ आई बात, लोड भी कम हो रहा है लेकिन जो एरिया का डिक्रीमेंट है वो ज्यादा हो रहा है। ठीक है, एज कंपेरिजन टू लोड, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी। तो इसीलिए ये कर्व किधर की साइड जाती है, ऊपर की साइड जाती है। देखो, इस चीज को रटना बहुत आसान है, इस तरह से कर्व बनेगी, लेकिन वो हो क्यों रहा है, रीजन पर्टिकुलर समझना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप भूलेंगे नहीं कभी। ठीक है, तो हमने ये देखा कि ई पॉइंट के बाद जब हम नेकिंग स्टार्ट हो जाती है हमारी, तो एरिया की वैल्यू कम होने लगती है पर्टिकुलर उस एरिया में, तो वो पूरी ट्रू स्ट्रेस की वैल्यू क्या होने लगती है, इंक्रीज। और ट्रू स्ट्रेस का रिलेशन कब आता है, जब हम एरिया इंस्टेंटेनियस लेते हैं, एरिया कौन सा लेंगे, इंस्टेंटेनियस एरिया लेंगे। ठीक है, तो हमने इस कर्व से, टॉपिक था बड़ा छोटा सा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व, लेकिन इससे हमने मटेरियल साइंस की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी, जैसे कि स्लिप, डिसलोकेशंस का फ्लो, स्ट्रेन हार्डनिंग, ठीक है, इसी कर्व से आइडिया होगा, यील्ड पॉइंट, ठीक है, और कार्बन और आयरन के बीच में भी प्रॉपर्टी हमने इस कर्व से देखी, आयरन कैसे फंसा रहता है, आयरन जो कार्बन है आयरन के बीच में कैसे फंसा रहता है, तो हमको ज़्यादा स्ट्रेस लगानी पड़ती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। ये टॉपिक का नाम बहुत छोटा था लेकिन बहुत वाइड टॉपिक था, हमने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जिसे हमें रटना पड़े, हमें समझना है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ये ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट था इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने ये जो वीडियो है इसीलिए बनाई। ठीक है, आपको रटना ना पड़े ये सब चीज़ें। ठीक
ठीक है, तो लेक्चर सुनने के लिए धन्यवाद। आगे मैं कुछ टॉपिक्स फ्लूइड मैकेनिक्स के तो बना ही रहा हूँ लेक्चर, बीच बीच में ऐसे ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक बनाता रहूँगा जो इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लेक्चर सुनने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।